कैप्टन अमेरिका, क्या हुआ तुझे? ओए रो फिरो, वो ही बिलाल को और उसकी पूरी टीम माफिया सिटी वॉर में आ गई है। हम लोगों को कुछ करना होगा, वरना 22 टाउन की तरह माफिया सिटी की भी एल लग जाएंगे। अबे सही कह रहा है यार। ठीक है कैप्टन अमेरिका। यारो, कैप्टन अमेरिका ने मेरे को एक मस्त प्लान बताया जिससे हम अपने माफिया सिटी बोर को बचा सकते हैं। हम लोगों को बेन 10 की ज़रूरत होगी, क्योंकि बेन 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उस ईविल हल्क से भी ज़्यादा पावरफुल। हम लोगों को माफिया सिटी वॉर में बेन 10 को लाना ही होगा। पर कैसे यारो, जल्दी से पहले नंबर तो यहाँ से निकल लो। अबे यार, मैं तो गलती से ये कार रोक ली। यारो, हम लोग ना टिप्सन के पास चलते हैं। तुम लोग तो जानते हो वो बहुत पुराना आदमी है, उसको ज़रूर मालूम होगा कि बेन 10 किधर होगा। चलो यार, चलते हैं टिप्सन के पास। अबे यार, ये गुंडे मेरे को मार क्यों रहे हैं? ये देखो यार, अभी ईवी ललका का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन गुंडे उंडे उसके सारे के सारे आ गए। ओए टिप्सन, अबे टिप्सन बैर बलाए कहाँ चला गया? अभी तक वहीं पर खड़ा होता है ये। मेरे को 4 साल हो गए कतई 22 टाउन छोड़े हुए, लेकिन ये बंदा अभी भी यहीं पर खड़ा है। अबे टिप्सन, रोपीडो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? टिप्सन, तेरे को बेन 10 का मालूम है वो कहाँ पर है? आयरन मैन से पूछ, मैं गेम खेल रहा हूँ। ठीक है यार, तू गेम ही खेलते रहे। हम लोग यारो आयरन मैन के पास चलते हैं। आयरन मैन को जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा, पर ये टिप्सन कतई पागल हो चुका है क्या? बुढ़ापे में कतई दिमाग की बत्ती लुढ़ल हो गई है इसकी। खैर छोड़ो, हम लोग जल्दी से चलते हैं। अबे रुक जा गाड़ी, रुक जा, जल्दी से मेरे को आयरन मैन के घर उतार दे। रहने दे, तू यहीं पर उतर जा, मैं खुद ही चला जाऊँगा आयरन मैन के घर। ओए आयरन मैन, मैं आ रहा हूँ कतई तेरे घर। यहाँ से तो कोई स्टेशन भी नहीं है जो मैं ट्रेन में बैठ के चले जाऊँ, और वैसे भी आयरन मैन के लिए कोई ट्रेन जाती नहीं है। कोई बात नहीं, हम कतई कार से ही चल लेंगे। पर जल्दी चल रो पीरो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम लोग जल्दी नहीं पहुँचे। हम लोगों को किसी भी तरह जल्द से जल्द उस बेन 10 को माफिया सिटी वॉर में पहुँचाना ही होगा। चलो यार, कतई फटाफट से चलते हैं। पर मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार थोड़ा सा जल्दी नहीं चल सकती है क्या? इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है? अबे घटिया कार, जल्दी से चल जाओ। मैं तो कतई पागल हो जाऊंगा। पर ये क्या हो रहा है? अबे बच गया। अबे निकल इधर से, ये तो कतई कोपचे में फंस गई। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इसको कतई लात मारता हूँ। अबे निकल जा। अबे यार, अब तो मैं और ना चला पाऊंगा ये कार। कोई और है क्या यहाँ पर? ओहो, कतई ये तो एक रेसिंग कार है। अबे भैया रुक जा। अबे तेरी तो कहाँ जा रहा है? मैंने तेरे से रुकने की कही और तू भाग रहा है। उतर उतर, जल्दी से उतर। आखिरकार उतर गया, प्यार से, बहुत प्यार से उतारा है मैंने उसको। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी से चलते हैं हम लोग। वो देखो, आखिरकार अपना पुल आ गया। पुल के बाद है आयरन मैन का घर। हम लोग बस जल्दी से जल्द पहुँच ही जाएंगे। अबे तू पागल हो गया है क्या? घटिया ट्रक वाला मेरे में ठोक दी बेपालतू में। यारो ये देखो, आखिरकार हम लोग पहुँचने वाले हैं। ओए आयरन मैन, घर के अंदर ही है क्या? क्या लगता है तुम लोगों को, घर के अंदर ही होगा ना? वैसे तो होना चाहिए। ओए आयरन मैन, अबे यार उतर जाता हूँ जल्दी से। आखिरकार अपन लोग पहुँच गए, निकल इधर से। ओहो, ये रहा आयरन मैन का घर। आयरन मैन जल्दी, टिप्सन भी है इधर। ओए ये रहा आयरन मैन, मेरे को फटाफट से बेन 10 की ज़रूरत है। बेन 10 मेरे को कहाँ पर मिल सकता है, कुछ तो बता। क्या? अबे नहीं यार, ऐसा मत बोल। यारों, इस आयरन मैन ने तो एक और झटका दे दिया। तुम लोगों को मालूम है इसने कहा है कि रूपीरो, अगर तू बेन 10 को चाहता है तो बेन 10 सिर्फ और सिर्फ तेरे को उन ज़ॉम्बीज़ों के पास ही मिल सकते हैं, और कहीं पर नहीं मिल सकते बेन 10। तो चलो यार, हम लोग चलते हैं उन घटिया ज़ॉम्बीज़ों के इलाके में। पर एक मिनट, अबे रुक, उन ज़ॉम्बीज़ का इलाका तो उस लाइट हाउस के पार है ना? हाँ हाँ यारो, मेरे को अभी भी रास्ते याद हैं। मस्त बात है, जल्दी से चलते हैं। लाइट हाउस के पीछे वहीं पर मेरे को मिल सकता है वो घटिया ज़ॉम्बीज़। ओए अबे आराम से यार। यारो बस प्यार मोहब्बत से ये ज़ॉम्बीज़ मेरे को बेन 10 दे दें, वरना तुम लोग तो जानते हो मैं एक बार मारने पर आया तो रुकूंगा नहीं। और ये बात तो तुम लोग भी जानते हो, वो घटिया ज़ॉम्बीज काटने पे आए तो वो भी ना रुकेंगे, मेरी कतई ऐसी की तैसी कर देंगे यार। अबे ज़ॉम्बी जाओ। अबे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? अबे रुक जा यार, किधर जाएगा? ओ यार वो देखो, ये ज़ॉम्बीज हमेशा की तरह उन दोनों पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं। इसको तो मैं कतई बचा ही लूँ। ये तो बच गया। और वो, अबे भाग जा, जल्दी से भाग जा।
आखिरकार दो पुलिस वालों की मदद करके अच्छा लगा। अबे घटिया जोंबी, तो तुम्हारी तो ऐसे कम तैसी, हमें तो इन पुलिस वालों को मारते रहते हो। अबे अबे जोंबी भैया, मैं मारने थोड़ी ना आया हूँ तुम लोगों को, मेरे को बस बहन टहन की। ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, ये लातों के भूते, इन लोगों को बातों का कोई असर क्यों नहीं होता। अबे घटिया जोंबी, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, मेरे को बहन टहन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अबे सुन ले भैया सुन ले, और कितना गला फटवाएगा। ये मेरे को नहीं लगता ऐसे जोंबी जो मेरे को वो बैंटेन देंगे, इनके लिए तो एक काम करता हूँ, कतई मेरे पास जितनी भी पावरफुल गन है ना, कतई सबकी पूंजी बजा दूंगा। पहले नंबर तो तुम लोग मेरे को काटने बंद करो यार, बेफालतू में आ रहे हो मेरे को मारने के लिए, मैं तुम लोगों पे भारी हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा तो मैं पूरी ज़िंदगी इन लोगों को बस मारते रहूँगा और कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। हम लोग अब बस एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो इन लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भैया प्लीज़ यार दे दो मेरे को बैंटेन दे दो, मेरे को यहाँ से जाने दो यार, मेरे को और भी बहुत बड़े बड़े काम है। ये जोंबी जैसे मानेंगे नहीं, अब लगता है मेरे को अपने सबसे पावरफुल हथियार निकालना ही होगा। ये देखो ये है मेरा सबसे पावरफुल हथियार। ओए जोंबी जो, मेरे को बताओ कहाँ पर है बैंटेन, वरना मैं तुम्हारे घर तोड़ दूंगा, जल्दी बताओ। अबे बता भी दे। रो पीरो रुक जा, रुक मैं तुझे बताता हूँ। बे कौन बुला रहा है? रो पीरो, वो घर मत तोड़। रो पीरो, अगर तुझे बैंटेन चाहिए तो तुझे क्या? अबे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शिट यार, मैं कहाँ पर फंस गया यारो, मेरे को तो बाइस टाउन आना ही नहीं चाहिए था, मेरे को तो वापस माफिया सिटी में जाना पड़ेगा। ये देखो आखिरकार मैं आ गया। यारो हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ से, फटाफट से निकलना पड़ेगा, हम लोगों को फटाफट से बोट पकड़नी होगी यहाँ से। अबे बोट कहाँ है, तेरे को मालूम है? अबे नहीं मालूम तो उतरना यार, बेफालतू में मेरा दिमाग का अकेला खराब कर रहा है। यारो तुम लोगों को मालूम है उस उन जोंबियों ने क्या कहा? उनने कहा कि हम लोगों ने तो उस बैंटेन को आइसक्रीम मैन के हवाले कर दिया था, हम लोगों को नहीं मालूम। अब जो भी मालूम है उस आइसक्रीम मैन को मालूम है, आइसक्रीम मैन के पास है वो बैंटेन, हम लोगों को उससे लेना ही होगा। फटाफट से हम लोग ये बोट लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, आइसक्रीम मैन के घर पर पहुँचते हैं। अबे फंस गया क्या मैं? अबे भैया निकालो मेरे को कोई यार, अबे पानी है नीचे, मेरे को सांस ना आ रही ठीक से। अबे यार बुलबुले फूट रहे हैं यार, तुम लोग देख ही रहे हो, निकालो यार कोई तो मेरे को। अबे मैं तो फंस गया, बच गया पर मैं तैर नहीं पा रहा। ओह तैरना भी सीख गया, क्या क्या होता रहता है यार हमारे इस बाइस टाउन में, मेरा तो दिमाग कतई काम ही ना करता है। जल्दी से बैठ जाता हूँ इसके ऊपर और चलते हैं। अबे चल भी, ओ बैठना पड़ेगा। एक दो, ओ ये क्या हुआ? अबे गलती से हो गया यार, इतना भी माइंड मत करो। एक काम करता हूँ मैं ना, ये वाली गन से कहते इसको आगे ढकेलता हूँ। अबे मेरे को भी ले जाना था यार साथ में, कहाँ गई? अबे बच गई, अगर ये खो गई ना तो हम लोग कभी जा नहीं पाएंगे उस आइसक्रीम मैन की सिटी में, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो आइसक्रीम मैन की सिटी में जाने के लिए, मेरा मतलब आइसक्रीम मैन के घर पर जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक लौटी बोट ये जो हम लोगों को पहुँचा सकती है, वरना हम कभी भी जा ही नहीं पाएंगे। वो देखो तुम लोगों को सामने दिख रहा है आइसक्रीम मैन का घर, वो ये आइसक्रीम मैन का घर, तो चलो यार फटाफट से चलते हैं और आइसक्रीम मैन की ऐसी की तैसी करके आते हैं। ओए आइसक्रीम मैन, है क्या अंदर? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइसक्रीम मैन, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। ओए मैं पीछे हूँ। अबे पीछे आ गया? अबे यार तू बहुत जोरों की मारता है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, कतई कालिया मांजा निकल जाए, डर था निकल घटिया आइसक्रीम मैन। अबे ये तो गुस्से में आ गया आइसक्रीम मैन, देख मैं तेरे से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बस मेरे को फटाफट से बैंटेन दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कतई निकल लूँगा फूट लूँगा, बस तू मेरे को एक बार बैंटेन दे दे भैया। अबे ये तो गुस्से में आ गया। अब चेटियर कतई चांद फोड़ दी इसने तो मेरी। अरे रे क्या करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यारो। अब तो एक तरीका है, भाग लो फिर, भाग भाग ले भाग ले भाग ले। बैंटेन रो पीरो, तू इसको मारे बिगर मुझे नहीं ले जा सकता यहाँ से। क्या ये क्या हो रहा है? अबे यार कम से कम बात तो करने दे, क्यों मार रहा है ऐसे? तो यार बेकार है यार फिर तेरा मारना, कतई बेफालतू में मार रहा है। अरे रे इसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, मेरे पास तो कुछ भी पावर नहीं है। अब क्या करूँ, अब तो एक ही तरीका है, इससे जितना हो सके दूर रहो, दूर से मारो, भाग रो पीरो भाग। अबे यार कहाँ तक भागूँ, ये तो पूरे जगह में मेरी पुंगी बजा रहा है। अबे यार अब तो जोर की लगी है, अब इसने मेरे दिमाग को खस्ता कर दिया। आई यार, अबे हथौड़ा फेंक के कौन मारता है बदतमीज इंसान, ये तो आइसक्रीम मैन है, निकल इधर से। आई
दो दो बार हथौड़ा फेंक के मारा है, कहते कोनी में लग गई यार। मर गया आखिर कार, मर गया। बेन 10 आ चुका है माफिया सिटी वॉर में, अब वो इविल अल्क नहीं बचेगा। तो तुम लोग इन वीडियो को देखो, कतई चारों वीडियो को देखो, मैं तो कह रहा हूँ चारों वीडियो को देखो, पर शेयर जरूर करियो चैनल को, ठीक है ना, मतलब वीडियो को यार कतई फैला दो। गुड डे।